Good. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया रूफ़ है और ये मेरे भाई हैं आमिर रूफ़ जो कि स्पेशली एबल्ड है बाय बर्थ बचपन से। तो हम आज इन्हीं के बारे में बोलने वाले हैं आपको, मतलब ये कैसे इन्होंने कैसे आज तक यहाँ पे पहुँचे, कैसे कैसे स्ट्रगल्स इन्होंने अपनी लाइफ में फ़ेस किए हैं और स्टिल उन सब के बावजूद ये आज यहाँ इस मुकाम पर है। इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इटली में डेफ ओलंपिक्स में, जो कि बहुत बड़ी बात है और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो स्पेशली डिसेबल्ड होते हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि इनके लिए मैं कुछ बोल पाऊँ, और डीडी न्यूज़ वालों का जिन्होंने जो यहाँ पे आए मेरे भाई की स्टोरी कवर करने के लिए, तो मैं इन आप लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से ही ये बाय बर्थ ही डेफ एंड डम थे, तो हमने इनको काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स के पास लिया, जैसे कि हमने इनको बाहर लिया, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली भी चले गए थे मेरे पेरेंट्स, लेकिन स्टिल डॉक्टर्स ने यही बोला कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो इन्होंने भी उम्मीद नहीं हारी। जब मैं इनसे कभी कहा कहती थी कि आप मतलब बोलते नहीं हैं, कैसे आगे ज़िंदगी को फेस करेंगे, तो इनका हमेशा यही कहना था कि अल्लाह ताला ने इसमें भी हमारे लिए बेहतरी ही रखी होगी। और स्टिल जब आज ये इन सब मतलब इन्होंने बहुत सारी लॉट्स ऑफ ट्रॉफीज़ डजन्स ऑफ सर्टिफिकेट्स जीते इन्होंने, तो ये एक इंस्पायरेशन है। और मैं वहाँ से ये मैंने भी खुद भी सीखा कि कैसे मतलब एक डेफ एंड डम होने के बावजूद ये इस मुकाम पर हैं, जो कि एक आम इंसान भी अगर देखे तो उसको भी कितनी मुश्किलें आती हैं, और इन लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किलें का सामना करना पड़ा इन लोगों ने। तो उसके बाद दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी, जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करती है, जो कि सबसे बड़ी मेन बात है। अगर बात की जाए, इसने अपनी पढ़ाई जो 12th तक थी वो सोलिना डेफ एंड डम स्कूल से की, जो कि मुझे लगता है पूरे कश्मीर में एक ही स्कूल है इन बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए इन उन उस स्कूल को भी थोड़ा सा वो डेवलप करें, ताकि वहाँ पे ऐसे जो बच्चे हैं उनका कैरियर बन सके, क्योंकि उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और गवर्नमेंट उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। ये अब मेरा भाई है जिसने इतना स्ट्रगल किया, इतना कुछ देखा और स्टिल आज वो यहाँ पर है, तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करती है। ये हम मेरे पेरेंट्स या इनकी बात करेंगे तो हम गवर्नमेंट के हर दरवाजे पे गए, वो हमेशा यकीन दहानी ही देती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन करती
कुछ नहीं है, स्टिल इग्नोर ही करती है वो। तो क्या कुछ करना चाहिए सरकार को इन बच्चों के लिए, वो हमें ये बताइए कि इस वक्त क्या काम करते हैं? इस वक्त ये गुलमर्ग गंडोला केबल कॉर्पोरेशन में जॉब करते हैं, जिन इनको 8 साल हो गए हैं वहाँ पे, और अभी तक गवर्नमेंट ने इनको परमानेंट नहीं किया है, जबकि परमानेंट के लिए ये काफ़ी जगहों पे चले गए, बहुत बड़े हेड्स के पास भी चले गए, जो मतलब उस टाइम पे जो हुकूमत थी उनके पास भी गए। उन्होंने वो सिर्फ यकीन दहानी देते थे कि हाँ हम इनका सोचेंगे, ऐसे बच्चों का तो हमें सोचना है करना है, लेकिन करते वो कुछ नहीं थे, जो कि सबसे बड़ी बात है। इनके लिए रिजर्वेशन अगर रखी गई है तो कहाँ पे है वो रिजर्वेशन, क्यों नहीं इनको परमानेंट किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की तरह वहाँ पे है। और ऐसे बच्चों को मैं बोलूँगी कि समाज में भी ज़्यादा इज्जत नहीं होती, अगर 50% इनको इज्जत देते तो 50% खासतौर पर रिलेटिव्स, जैसे कि रिलेटिव्स होते वो भी इनको ज़्यादा जैसे नॉर्मल एक इंसान को हम ट्रीट करते हैं, इनको वैसे ट्रीट नहीं किया जाता है, इनको एक अलग नज़र से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि उन्होंने कोई गुनाह किया होता है। तो मैं ये भी कहूँगी कि एटलीस्ट इनकी तरफ देखे गवर्नमेंट। इतने सारे गरीब बच्चे हैं जो कि बाय बर्थ डेफेंडा में, जिनकी फैमिली मतलब जो खस्ता से खस्ता हालत हो चुकी है, और गवर्नमेंट क्या करती है, ऑलवेज टर्न अ डेफ ईयर्स टुवर्ड्स देम। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनके लिए तो सोचना चाहिए। थैंक यू।